I'm so happy and so proud of myself. गुड इवनिंग। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ रात में, और उसका रीजन है कल है जन्माष्टमी और मुझे तैयारी करनी है जन्माष्टमी के लिए प्रसाद की। तो एक्चुअल में हर जगह अलग अलग तरीके से प्रसाद बनाया जाता है, कहीं पे कुछ बनाया जाता है, कहीं पे खोआ के पेड़े बनाए जाते हैं अलग अलग जगह की। तो लेकिन हमारी साइड में, यूपी साइड में, बनता है पाग, जो कि होता है ड्राई फ्रूट्स का। तो पाग होता है, पंजीरी होती है और पंचामृत होता है। तो पाक कैसे बनता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है ये मतलब बनाने में, क्योंकि कई बार वो चाशनी के थ्रू बनता है। तो कई बार ऐसा होता है कि चाशनी में थोड़ी भी गुंजाइश रह जाती है तो वो वाला टेक्सचर नहीं आ पाता है जो घर पे मम्मी वगैरह का, पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ। मैं यहाँ फटाफट से दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या लगता है। ये होते हैं बीज, जिसको खरबूजे के बीज बोलते हैं। तो ये मैंने मंगा लिए हैं, ये हो गया 2 पैकेट। ये किशमिश यूज में आती है, चिरुंजी आती है, बादाम आता है यूज में, और ये है ग्रेटेड नारियल। तो नारियल को वैसे तो जिसके पास होता है वो खुद से ग्रेट कर लेता है, पर मेरे पास ना तो नारियल है और ना ही मैं कर पाती हूँ उसको। तो ये, और ये मैं यूज करी व्हाइट शुगर, और ये कुछ थोड़े से मखाने हैं। तो मैं पहले इन सबको भूनूंगी और उसके बाद हम पाक को बनाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। और इसमें से जो मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह को जो भूनूंगी, जो थोड़े बहुत बचेंगे, मतलब उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकालूंगी, जिसमें जो कि मैं पंजीरे में भी मिला दूंगी और पंचामृत में भी मिला दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे घी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और एक साइड में मैंने रख दिया है पंजीरी के लिए, तो मैं इस गैस को भी ऑन कर देती हूँ। तो एक साइड में ये भी भूनते चलते हैं और अभी ये डाल देते हैं। ना जब ये भुनना स्टार्ट होंगे ना, तो ये चटकना शुरू करेंगे, तो चट चट टाइप की इसमें से आवाज आती है। मैं दिखा भी देती हूँ कैसे। ये देखो, इस तरह की इसमें से अब आवाज आएगी, और इसको हम करेंगे स्लो गैस पे, एकदम तेज गैस पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे पर ये प्रॉपर भून नहीं पाएंगे अच्छे से। कुछ इस तरह से ये देखिए, ये होने लगा ब्राउन। अब मैं गैस को करूँगी सिम एकदम से, और इसको चला के, और इस स्टेज पे मैं इसमें डालती हूँ घी, फिर इसको अच्छे से और भूनूंगी, क्योंकि ये मेरे को, मुझे वाइट वाइट पंजीरी नहीं पसंद है वो प्रॉपर। मैं चिमनी की लाइट बंद करके भी देखती हूँ। देखो, आटे से तो थोड़ा कलर चेंज हुआ है, पर अभी थोड़ा और भूनेगी ये। इसमें डालते हैं घी। और अभी ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा जैसे चिपक रही है, पर इसमें भी मैं डालूंगी शुगर पाउडर, मतलब बूरा, तो ये थोड़ा और खिला खिला हो जाएगा। ये स्टेज है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा घी मैंने फिर से डाल दिया इसमें, और अब मैं इसमें डालूंगी चिरौंजी दाना, जितना रिक्वायर्ड है बस इतना, और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी भुन के ब्राउन अच्छे से हो गई है। और अब इसके बाद मेरे को डालना है बादाम, इसमें मैं घी नहीं डाल रही क्योंकि बादाम खुद भी छोड़ता है। तो अभी टाइम है ये नारियल को भूनने का, तो पहले इसमें हम डालेंगे घी। घर हो गई है मेरी सारी चीज़ें तैयार, जिसमें ये सब कुछ,
ये पंजीरी भी मेरी, ये जो पंजीरी मैंने ये भूना था आटा, ये भी ठंडा हो गया है। अब इसमें मुझे शुगर पाउडर मिलाना रहेगा, और ये भी भुन गया है। और ये बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बहुत हल्का सा ब्राउन करना होता है, जिसका एक थोड़ा सा टेक्स्चर आ जाए इसके अंदर और थोड़ी सी फ्रेग्रेंस अच्छी हो जाए। तो ये सब कुछ मेरा तैयार है। अब बस जो मेन काम रहता है वो है इसकी चाशनी बनाना। यहाँ तक का काम तो कोई टफ था नहीं, बहुत आसानी से कुछ करके सब कोई भी कर सकता है, पर इसके बाद जो इसकी चाशनी बनाना है वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर वो बन गई तो पाक बन सकता है आपका अच्छे से, और नहीं बनी तो वैसे ऐसा होगा नहीं, बन जानी चाहिए, बनेगी। तो ये मेरे पीछे रखा है सारा सामान, ये देखिए। और अब मैं इसको ना थोड़ा क्रश करके दिखाती हूँ कि मैं क्या कह रही थी। तो इसको ना देखो आवाज़ भी अच्छे से आएगी, अभी सुनना, ये देखिए। इस तरह से इसको मुझे इस तरह से करना है, जिससे एकदम से साबुत भी ना रहे और एकदम बारीक भी ना हो जाए, ऐसे। तो अब ये हो गया है, हम इस सब को कर लेंगे मिक्स, और इसमें डाल देंगे ये भी। अब इसमें बचती है इलायची डालने से, और ये बचते हैं बादाम, इनको मैं काट लेती हूँ, उसके बाद इनको भी इसमें मिला देती हूँ। फिर इसमें से थोड़ा सा जो पोर्शन होगा बादाम का डालने के बाद, वो मैं डाल दूँगी अपनी पंजीरी में, और जो बचा हुआ होगा थोड़ा पाक के उसके लिए रखूँगी पंचामृत के लिए। ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को कुछ इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें से थोड़ा सा पार्ट जो लूँगी वो मैं पंजीरी में डाल दूँगी। अब इसमें मिला देंगे नारियल, इतना पानी डाल रही हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। मेरा पाक जो है वो मैंने जमा दिया है, चाशनी जो थी वो एक तार की बनानी होती है, वो मैंने डाला, उसके बाद फटाफट से वो एक तार की बन गई, और मैं जल्दी से इतना भी मटेरियल था वो उसमें डाला, क्योंकि फिर अगर वो तार वगैरह उसमें चेंज हो जाते तो फिर इसके जमने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट मैं फिर भी आइडिया के लिए दिखा देती हूँ कि एक तार का मतलब क्या होता है। चाशनी को मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, और जब उसमें थोड़ा थोड़ा पकना लगता है, जैसे उबाल आने लगता है, या मतलब स्टार्टिंग में ही आप चेक करते रहिए उसको, चाशनी को। और कैसे चेक करेंगे कि एक तार की है वो भी मैं बता देती हूँ, और ये भी दिखा देती हूँ कि मेरा पाक कैसा लग रहा है, और आई होप कि ये जम जाए, उम्मीद तो लग रही है, बाकी तो भगवान जानते हैं। वैसे तो करना चाहिए, भगवान की प्रसाद है। फिलहाल मैं दिखा देती हूँ कि ये एक तार की चाशनी क्या होती है। ये कुछ ड्रॉप्स मैंने निकाल के रखी हैं, ये मैंने बाद में, ये थोड़ा सा ब्राउन, ये ब्राउन कलर की इसलिए लग रही होंगी क्योंकि मेरे पास मुझे लग रहा था कि चीनी थोड़ी कम हो रही है, तो मैंने अपनी ब्राउन शुगर भी डाल दी थी। तो बेसिकली मैं इसको चेक करूंगी, क्योंकि ये पहले वाली है बूंद जो है, तो ये वाली अगर मैं जैसे इसको लेती हूँ सी, इसमें जो बनेगा ना ये जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एक तार, आई थिंक दिख रहा होगा क्लियर, ऐसे बननी चाहिए सी। इसमें भी एक ही बन रहा है, दो नहीं बन रहे, इस तरह से जम गया है ये, आई होप, हाँ हो रहा है, टाइट हो रहा है, देखो। तो ये जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा, फिर हम इसको कट करके टिफिन में रख सकते हैं। फिलहाल इसको ठंडा करने के लिए मैं रख के आती हूँ, तो ये हम लेके चलते हैं इसको फैन के नीचे, यहाँ रखते हैं, ये ठंडा होता है। और मैं इधर काम कर लेती हूँ फटाफट से मेरे पंजीरी वाला। अब इसमें मैं वो डाल देती हूँ थोड़ा बूरा, इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा बूरा, मैं इसको इस तरह से छान के, और ये मेरी पंजीरी यहाँ पे तैयार है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ना बूरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इस तरह से है ये।
और इसी के साथ मैं किचन की हालत भी दिखा देती हूँ। ये है कुछ किचन की हालत, स्लैब की हालत। एक्चुअली किचन तो क्लीन है, स्लैब ये है कुछ। तो अब इन सबको मैं एक किसी, पहले पंजीरी को किसी एयर टाइट में डिब्बे में भर के रखती हूँ। तब तक जो मेरा पाग है वो रेस्ट कर रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है। एक बार वो ठंडा हो जाता है फिर उसे कट करके उसको भी डिब्बे में भर के रखूंगी। जब तक ये सब हो रहा है तब तक मैं स्लैब को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ फाइनल की मेरा पाग कैसा जमा है। और मुझे अभी तो लग रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने चेक किया तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा टाइट अच्छे से हो रहा है। और अगर ये अच्छे से जम जाता है तो मिशन सक्सेसफुल। और ये रेसिपी आप भी ट्राई कर सकते हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छा बनेगा। और मैंने बताई दिया मेन जो इसका बस प्रोसेस में ध्यान रखने का है वो है एक तार की चाशनी, वो मैंने क्लियरली बता दिया कि कैसे हमें चेक करना है। बस ध्यान रखिएगा ओवर कुक ना हो जाए आपकी शुगर। जब डालते हैं उसके थोड़ी देर बाद चलाएंगे ना, जब आपको लगे शुगर घुल गई है ऑलमोस्ट पूरी और फिर भी छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, मतलब शुगर घुल भी गई है लेकिन फिर भी दाने दिख रहे हैं, जब आप उसे चलाएंगे तभी आप चेक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक तार की चाशनी बन गई है। और इसमें पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। पानी मैंने दिखा दिया था कितना कम डाला था, पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर वो पहले पानी जलेगा वो सब होगा, तो थोड़ा पानी, चीनी ज्यादा। और अब इसको साफ करके फिर मिलते हैं। पंजीरी मेरी एयर टाइट डब्बे में हो गई है और ये है जो कि मैं देखती तो बहुत टाइट हो गया है। अब इसको कट करके मैं इसमें भरती हूँ। अब कट करते टाइम पे दिखाती हूँ कि आपको भी आइडिया लगेगा कितना टाइट है। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे ये देखो, और ये इतना ही टाइट होना चाहिए। अब इसको मैं पहले पूरी तरह से कट कर लेती हूँ फिर दिखाऊंगी आराम से, क्योंकि एक हाथ से करने में थोड़ी हो रही है प्रॉब्लम। हो गया है कट, अब एक एक करके इसमें से पीसेस उठाते हैं। एक्चुअली एक पीस उठ जाएगा ना तो फिर इजी होगा। यूहू, सेम सेम डिटो सेम जो मेरी मम्मी बनाती है। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये बिल्कुल ऐसा बनाती है मेरी मम्मी। और देखो आवाज भी करेगा रखने पे। यूहू, आई एम सो हैप्पी। कोई ऐसी चीज जो टफ हो बनाने में और वो फाइनली बन जाए। ये मैंने थोड़ा इसमें और ये इसमें, क्योंकि इसमें ये पूरा आ नहीं रहा था। देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप टेस्ट में भी अच्छा ही होगा। और वैसे भगवान जी भोग लगाने के बाद इसका टेस्ट अच्छा खुद ही कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको, मतलब ये जो मैंने बनाया है आपने कभी बनाया है या नहीं, या अगर बनाया है तो कैसा बना था, या और कोई तरीका है इसको बनाने का तो वो भी बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में, और जन्माष्टमी का व्लॉग भी मैं डालूंगी कि क्या क्या मेरी प्रिपरेशन है। अभी इसके बाद में सिर्फ पंचामृत रहता है और दूसरा रहता है थोड़ा मक्खन निकालना, वो मैं कल ही करूंगी दोनों चीजें। अभी के लिए इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, मिलेंगे कल के व्लॉग में, क्योंकि कल है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की मुझे प्रिपरेशन दिखानी है कि मैंने कैसे करने का इस बार प्लान किया है। इस बार थोड़ा मैंने डिफरेंट सोचा है। तो मिलते हैं कल बहुत जल्दी नए व्लॉग में। बाय बाय।